गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का सपना देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने देखा था, जिसको अमल में लाते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में इसकी नींव रखी थी। लेकिन इस बांध पर बनी सरदार की प्रतिमा ही किसानों की परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल स्टैच्यू ऑफ इंडिया के आसपास वोटिंग के लिए इंदिरा सागर बांध छोड़ा गया अतिरिक्त पानी सरदार सरोवर बांध की ओर से डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे अकालग्रस्त कच्छ के किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नर्मदा से पानी की चोरी हो रही है और पानी के लिए कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके जन्मदिवस पर बने धूमधाम से किया। लेकिन इस बांध से सिंचाई के लिए निकलने वाली नहरों के काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार पहले ही कच्छ क्षेत्र में अकालग्रस्त घोषित कर चुकी है, लिहाजा कच्छ के भीषण जल संकट के बीच पानी की मांग को लेकर जनता आंदोलित है।